Now next one, another example of scanf function as a similar to previous function, but here we are calling extra function as f plus. As we seen, what is the working of f plus during getCar or getC functions? F plus is used to removing contents, removing existing contents from a buffer, or it is used to flushing the contents of the buffer. It will again resets buffer position, so cursor position inside buffer. Again same case, initially जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, इनिशियली सबसे पहले क्रिएट किया हुआ एस्टैब्लिशिंग लॉजिकल कनेक्शन विद प्रोग्राम एंड कीबोर्ड और कंसोल डिवाइस कीबोर्ड. दिस कनेक्शन इज नथिंग बट एसटीडी इन स्टैंडर्ड इनपुट बफर. एसटीडी इन, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस बफर? इनिशियली बफर वायर्स empty, there is no contents are available inside that buffer std in. Next one is ke just baad execution start karenge again. First of all, allocating memory space local variables xy. Xy are local variables, therefore it is created inside stack memory. Some stack address is 100, 98, 96, x, y, and so on. Initial value is garbage. Next one, some output device monitor window. We are displaying one, so some message or outputs. Next one, finally, first of all, enter first number. This message will be printed on the monitor by with the help of printf functions. Enter first number, enter first number. Then slash n is scarcely cursor kahan jayega on the next line. नेक्स्ट वन स्कैनफ फंक्शन. स्कैनफ फंक्शन के केस में एड्रेस ऑफ एक्स के प्लेस पर पास होगा एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स. अकॉर्डिंग टू डायग्राम मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स वी आर कंसीडरिंग एज 100. नेक्स्ट वन अगेन, करेंटली स्कैनफ फंक्शन का वर्किंग क्या, रीडिंग कंटेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट बफर एसटीडीएन. करेंटली बफर वाज एम्प्टी, इसलिए इसके इसमें प्लेस किया समथिंग 10 स्पेस 20 सेम एज प्रीवियस वीडियो. Then after that entering enter key. Then buffer ke case mein store kya ho jayega, characters 10 space 20 then something enter key equivalent to enter key. Actually is case mein store kya hua ASCII value of 48 sorry ASCII value of 49 48 and so on. Next one, initially cursor se scanf function read karega data from current position of the buffer pointer. कब तक रीड करेगा, जब तक बफर एम्प्टी नहीं हुआ. मीन्स रीड करने के बाद रीडिंग कैरेक्टर असाइन का इन साइड सम टेम्परेरी लोकेशन. नेक्स्ट टाइम का रीड होगा 0. नेक्स्ट टाइम का रीड हो रहा है इस केस में स्पेस. स्पेसिस के बेसिस पर रीड करना स्टॉप कर देगा बिकॉज मीन्स ऑलरेडी रीडिंग कैरेक्टर स्टोर किस में जाएंगे गिवन एड्रेस. आफ्टर दैट फिर से रीड करेगा नेक्स्ट इनपुट वैल्यूज. ऑलरेडी इससे इसके थ्रू रीड किया हुआ 10. अब 10 कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाए, इक्विवेलेंट इंटीजर नंबर्स. कन्वर्जन के जस्ट बाद असाइन किस में हुआ इन लोकेशन 100. मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से एक्स, अब वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 10. नेक्स्ट वन, अभी भी बफर के केस में बात करें, अभी भी बफर के अंदर फाउंड क्या रहा, अनरीड डेटा 20. इन प्रीवियस केस मीन्स नेक्स्ट टाइम जब स्कैनर फंक्शन कॉल किया था उसके थ्रू नेक्स्ट टाइम एग्जिस्टिंग डेटा रीड हुआ था एज ए 20. बट here we are calling f plus function. What is the working of f plus function? F plus ka working kya, removing all contents from a given buffer std in. Currently is case mein buffer ka name pass ke std in, isliye data kis place remove from std in. Again buffer consider hoga as a empty, plus this cursor will be set reset on the beginning positions like that. नेक्स्ट टाइम इसका फिर से एग्जीक्यूट क्या हो रहा, प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर. प्रीवियस केस में एंटर क्या किया था, 10 स्पेस 20 एंटर की. नेक्स्ट टाइम फिर से मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा, अगेन एंटर सेकंड नंबर लाइक दैट. देन व्हेन नेक्स्ट टाइम अगेन प्रेस किया समथिंग 5 स्पेस 6 स्पेस 7 लाइक दैट, फाइनली एंटर की 5 स्पेस 6 स्पेस 7 एंड एंटर की. अगेन ये इनपुट कैरेक्टर स्टोर कहां हो जाएंगे, इनसाइड बफर 5 स्पेस 6 स्पेस 7 देन एंटर की, मींस न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन.
नेक्स्ट टाइम जैसे ही बफर के केस में डेटा फाउंड हुआ, इमीडिएटली बफर के करेंट पोजीशन से रीड क्या हुआ, इंटीजर नंबर्स अकॉर्डिंग टू परसेंट डी, देन रीड क्या हुआ फाइव। अब फाइव सबसे पहले किस प्लेस पर साइन हुआ, इनसाइड दिस टेम्परेरी प्लेस। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या फाउंड हो रहा है, स्पेस। स्पेस रीड होने के जस्ट बाद कर्सर कहाँ सेट हो जाए, नेक्स्ट पोजीशन, लेकिन स्पेस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी रीडिंग कंटेंट्स आसान कहाँ हो जाएंगे, इक्विवेलेंट टू गिवन मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट टाइम पास क्या किया, एड्रेस ऑफ वाई विच इज 98। नाउ दिस इनपुट कैरेक्टर विल बी असाइंड इन प्लेस ऑफ वेरिएबल और इन प्लेस ऑफ एड्रेस 98। नेक्स्ट टाइम मैंने प्रेस किया था 5, देन फर्स्ट टाइम क्या एंटर किया था इसके इसमें 10 20, लेकिन रीड क्या हुआ था ओनली 10। देन 20 मैंने फ्लश कर लिया था बाई यूजिंग एफ फ्लश फंक्शन। नेक्स्ट वन, देन फिर से न्यू कैरेक्टर या फ्रेश डेटा प्रेस किया 5 6 7, लेकिन रीड क्या हुआ ओनली 5। देन स्कैन एफ जस्ट देन चांस किस मिलेगा, प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स, वाई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, 5। देयरफॉर दिस वन इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। मीन्स स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू जब भी आपको एवरी टाइम न्यू इनपुट रीड करना है, if you don't want to reading existing contents of the buffer, if you want to reading new data, then you should use f plus function just before calling scanf functions.